देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया से संवाददाता सालम खान की खास रिपोर्ट। तो बने रहिए खबरों के साथ, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आरबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता की आज की बड़ी खबर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही खबरों के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको ले चलते हैं खबरों में। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस के पाठक, जिला उपाध्यक्ष, ग्राम चुनाव संगठन देवरिया। सर, अभी अभी जो है कि चुनाव हुआ है जिला अध्यक्ष का, ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का, ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जी सर, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं है कि जिला पंचायत, जिला प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। कहाँ हुआ है चुनाव? सर, ये ग्राम बिंदवलिया में हुआ है चुनाव, ये इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का कोई चुनाव हुआ है। ये तो हमारे जनपद में किसी प्रधान साथी को ये जानकारी नहीं है कि जिला प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का कोई चुनाव कब हुआ है। आज के डेट में? जी, आज की डेट नहीं, में ऐसा कुछ नहीं है, कोई चुनाव नहीं हुआ है जिले में। महेश्वर मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। महेश्वर मिश्रा जिला अध्यक्ष बनाया गया, कैसे बन गए? हम लोग को जानकारी नहीं है ऐसा। ये कोई संगठन है ग्राम प्रधान का जो आकर के उनको बनाया है? नहीं, देखिए कहाँ पे हुआ आप बताइए। ग्राम बिंदवलिया में हुआ सर। बिंदवलिया किस ब्लॉक में है? ये बिंदवलिया सलेमपुर ब्लॉक में है। सलेमपुर ब्लॉक में जी। और चुनाव किस चीज़ का हुआ? ग्राम प्रधान का सर। नहीं, जिला संगठन का हुआ जी। तो जिला संगठन का भैया चुनाव जब भी होता है तो देखिए जनपद स्तर पे होता है। जिले का चुनाव, जो भी संगठन, जिला संगठन बनता है प्रधान संघ का, तो उसकी बैठक जिले पे होती है। और जिले में देवरिया जनपद में 16 विकास खंड है। 16 विकास खंड में हमारे सक्रिय ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं और ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक की कमेटी के द्वारा बैठक में निर्णय लेकर के जिला अध्यक्ष को चुना जाता है और वो जिला अध्यक्ष बनते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो हमारी जानकारी में नहीं है कि देवरिया में ऐसी कोई बैठक हुई है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ग्राम प्रधान है 16 ब्लॉक के जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, संदेश देना चाहेंगे, देखिए बैठक होने वाली है, बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष श्री अशोक मिश्रा जी घटना हो चुकी है, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का प्रधान संघ का पद रिक्त है। लेकिन उस शोक से निकलने के बाद 15 दिन 20 दिन बाद अभी हम लोग 16 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक होगी और बैठक में निर्णय लेने के बाद से 16 ब्लॉक से हमारे प्रधान साथी आएंगे और जिले स्तर पे भव्य कार्यक्रम होता है। देखिए प्रत्येक 5 साल में भव्य कार्यक्रम होता है देवरिया में, और टाउन हॉल से लेकर के या किसी मैरिज हॉल पे कार्यक्रम होता है। और जिले में सभी ग्राम प्रधान, हमारे 1100 कुछ ग्राम प्रधान जो हैं, सबको ये जानकारी होती है कि आज प्रधान संघ का देवरिया जिले का गठन होने वाला है और उसमें सभी प्रधान अपनी शक्ति के अनुसार पहुँचते हैं और सर्व के सम्मत से प्रधान संगठन जनपद इकाई का गठन किया जाता है। और हमारे देवरिया का इसके पहले जितना भी संगठन रहा है काफ़ी सक्रिय रहा है। इसके पहले, इस पंचवर्षीय अशोक मिश्रा के पहले, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी थे जिनके नेतृत्व में 5 साल प्रधानों ने सुखमय जीवन और कार्यकाल अपना संपन्न किया। उसके पहले बजेंद्रनाथ त्रिपाठी थे। उसके पहले आनंद प्रकाश मणि थे या डब्लू मणि थे। जो भी हुआ चुनाव जिले स्तर पे हुआ है। आज क्या चुनाव हुआ है तो आपके द्वारा मैं जानकारी हो रही है, मैं तो नहीं जानता कोई चुनाव हुआ है ऐसा। शर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम गामा यादव है, मैं जिला प्रधान संघ देवरिया का उपाध्यक्ष हूँ। कौन से ब्लॉक से हैं सर आप? बरहज ब्लॉक से हूँ मैं। सर, क्या आपको पता है आज ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? चुनाव हुआ है जी, जिला प्रधान संगठन जिले के जी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है जी। कहाँ हुआ है? सर, सर्वसम्मति से महेश्वर मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्या आपको पता है? इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई पूर्व सूचना नहीं है। और इस तरह से अगर प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना जाए बिना किसी पूर्व सूचना के, हम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, किसी ब्लॉक में इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से इस संगठन को एक तरह से ये इस तरह से चुनाव करके ये प्रधान संघ संगठन को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। इस चुनाव को अगर हुआ भी होगा तो फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परंपरा रही है प्रधान संघ संगठन
जिला अध्यक्ष चुनने का उस तरीके से हो और सभी को इसमें शामिल किया जाए, सोरहो ब्लॉक के सारे प्रधानों को इकट्ठा किया जाए और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सबकी सहमति से और एक जगह इकट्ठा होके और एक योग्य व्यक्ति को जिला अध्यक्ष चुना जाए, अच्छी तरह से जिले पे काम हो, प्रधानों के मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, यही मेरा कहना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।